हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ काजल। सो गाइस, अब जो है 9th मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, एंड गाइस अब जो डॉक्टर हैं वो हर वीक बुला रहे हैं। तो सुबह जो है अपने हस्बैंड के साथ ही 10:30 बजे मैं निकल गई एम्स के लिए। वो ऑफिस के लिए जा रहे थे तो मैंने कहा चलो तुम्हारे साथ ही चली जाती हूँ। तो मैं जो है एम्स की साइड निकल गई एंड वो ऑफिस के लिए निकल गए अपने। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, साउथ एक्स मेट्रो स्टेशन उतरी मैं, फिर वहाँ से मैंने ऑटो लिया। ऑटो से जो है मैं न्यू राजकुमारी ओपीडी पहुँची और जल्दी पहुँच गई थी क्योंकि गायनी ओपीडी 2 बजे लगती है एंड यूनिट 1 में हूँ मैं। तो गाइज वो जो है 2 बजे 2:30 बजे डॉक्टर आते हैं। फिर मैंने कहा चलो इतना पहले पहुंच गई हूँ, 12:30 या 1 बजे के बीच में पहुंच गई थी मैं। तो मैंने कहा चलो कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, मुंह चलाने के लिए, टाइम पास के लिए पंजाबी तड़का जो है ले लिया और खाने लग गई। फिर गाइज मेरा टाइम पास हो नहीं रहा था एंड टाइम जो है था 2:00 में 2:30 बजने में जब तक डॉक्टर आते। तो मैंने कहा चलो 1 से 2 ना ले लेते हैं योगा क्लास, क्योंकि जब मैंने कार्ड बनवाया था यहाँ पे एनसी का तो उन्होंने बताया था कि 1 से 2 जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए योगा क्लास होती है, वो बहुत बेस्ट है। वहाँ पे योगा बताते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं जो कि डिलीवरी के लिए और प्रेगनेंसी में बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो मैं जब पहुँची यहाँ पे, और गाइज यहाँ पे कोई आया हुआ था नहीं जब मैं पहुँची, तो मैं बाहर वेट करने लगी। फिर 1 बाय 1 जो है लोग आने लग गए, तो मैडम भी आ गई थी, फिर मैं भी आ गई यहाँ पे। फिर यहाँ पे सब लोगों का ना मैडम ने कार्ड लिया और वहाँ पे मैम अपने रजिस्टर में एंट्री करने लगे। फिर इतने में ही जो है हमारे योगा क्लास की मैम आ गई थी और यहाँ पे बर्थ प्लानिंग की एडवाइस दे रही थी। वो सब ने बहुत केयरफुली जो है सुना एंड फिर हमारा जो है योगा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सब जो है अपनी पोजीशन में बैठ गए, जैसे सर करवा रहे थे योगा वैसे हमने फॉलो किया उनको एंड उन्होंने जो है बेस्ट एक्सरसाइज वगैरह बताया जो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एंड उन्होंने कहा कि घर पे भी प्रैक्टिस करते रहें रेगुलर। इसके बाद ये नर्सिंग ऑफिसर थी तो उन्होंने बोला कि आप लोग को लेबर रूम पता है ना, इमरजेंसी रूम पता है ना, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग ना वहीं पे डायरेक्ट पहुंचना। एंड इसके बाद जो है वो हमें दिखाने के लिए ले गई लिफ्ट से लेबर रूम एंड सारा जो है उन्होंने बता दिया। उसके बाद जो है बैग पैकिंग के लिए भी बोला उन्होंने कि जिनकी जो है 37 वीक्स स्टार्ट हो चुके हैं, 9 महीना 8.5 महीना स्टार्ट हो चुका है तो वो अपना बैग भी पैक कर ले, और क्या क्या पैक करना उन्होंने ये भी बता दिया। इसके बाद हमने जो है लेबर रूम भी देख लिया, इमरजेंसी रूम भी देख लिया और फिर जो है 2 बज चुके थे हमारी जो है ओपीडी का टाइम हो गया था। तो फिर जो है ओपीडी के लिए हम निकल गए सारे के सारे जितने भी लोग थे। फिर यहाँ पे यूरिन टेस्ट करवाया, फिर वेट करवाया अपना जो है, और ब्लड प्रेशर भी करवाया, फिर अपनी गायनी को दिखा दिया मैंने। और उसके बाद जो है मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है यूनिट 1 में चल रहा है एंड यूनिट वाइज जो है सारे पेशेंट डिवाइडेड हैं। एंड गायनी ने जो है एक लिख दिया था अल्ट्रासाउंड एंड वो अल्ट्रासाउंड जो है एनएसटी का था, तो मैंने जो है पहले ग्राउंड फ्लोर में करवा लिया। फिर ग्राउंड फ्लोर वाले डॉक्टर ने भेज दिया हमें 124 रूम नंबर में, वहाँ पे होगा ये जो सेकंड वाला एनएसटी का होता है अल्ट्रासाउंड। मेरा जो है पूरा टाइम आज का यहीं लग गया, फाइनली हो गया तब भी मेरा अल्ट्रासाउंड एंड एनएसटी का भी कंप्लीट हो गया। फिर मैं निकली यहाँ पे 5:30 बजे। फिर मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था अपने हस्बैंड को कि इतना टाइम लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, तुम मुझे मिल जाओ यहाँ पे या फिर आ जाओ। तो वो ना मिल गए थे मुझे साउथ एक्स। लास्ट टाइम ना मेरे सॉफ्टी रह गई थी, मेरा मन बहुत था सॉफ्टी खाने का, बट गाइज ये शॉप बंद थी साउथ एक्स में, तो इन्होंने जो है मुझे सॉफ्टी खिला दी। एंड इसके बाद जो हम दोनों मेट्रो में बैठ के अपना घर पहुँच गए। घर बहुत लेट पहुँचे, 8:30 बज गए थे घर पहुँचते। एंड नेक्स्ट विजिट जो है अगले वेनसडे है। सो गाइज अगर आप लोग का पूरा मंथ चल रहा है एंड डॉक्टर आप लोग को विजिट के लिए बुलाते हैं कभी भी, तो आप ज़रूर जाएँ, मिस ना करें। एंड गाइज अपना ध्यान रखें, खुश रहें, और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।